दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, अगर आपके पास भी ब्लूटूथ ईयरफोन है, जैसा कि आप मेरी टेबल पे यहां पे देख सकते हैं, जिन्हें हम अपने कानों में यूज करते हैं, KDM का है ये, ठीक है। आपके पास किसी भी कंपनी का हो सकता है। अब मेन बात क्या है, उस टॉपिक पर आते हैं। देखिए, अगर आपकी जो ब्लूटूथ है, ठीक है, अगर इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे। देखिए, कभी कभी होता क्या है, आपसे ये चाइनीज भाषा में हो जाती है या किसी और लैंग्वेज में हो जाती है और आपको नहीं पता चलता कि ये ऐसा हुआ क्यों। आपसे गलती से कोई बटन दब जाता है तो इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो मेन चीज़ ये है कि आप इसकी लैंग्वेज नॉर्मल इंग्लिश में कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक ब्लूटूथ रखी हुई है मेरे सामने, ठीक है। और यहाँ पे इसमें तीन बटन मिलेंगे, सबसे ऊपर पावर का, सॉरी, सबसे ऊपर वॉल्यूम का, बीच में पावर बटन है और सबसे नीचे भी माइनस वॉल्यूम का बटन है। तो इसमें देखिए लैंग्वेज चेंज करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले समझिए। देखिए, मैं जो ईयरफोन है उसको मैं अपने मोबाइल के माइक के बिल्कुल जस्ट बराबर में लगा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको भी थोड़ा बहुत सुन सके। वैसे तो ब्लूटूथ की आवाज़ बाहर नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी इसको लगाने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखिए, यहाँ पे जो इसमें पावर का बटन है ना, बीच वाला, देख सकते हैं, जो पावर का, आपकी ब्लूटूथ की भी अगर लैंग्वेज चेंज हो चुकी है तो जो बीच का पावर का बटन है, इसको एक साथ दो बार दबाना है। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से आप दबाएंगे क्लिक क्लिक करके, तो जो आपकी लैंग्वेज है वो वापस में चेंज हो जाएगी। अब आपको जोन सी लैंग्वेज भी प्रेफर करती है, जोन सी भी आप सूट करते हैं लैंग्वेज, इंग्लिश करते हैं इंग्लिश, चाइनीज करते हैं चाइनीज, उसको आप जो पावर बटन है, सबसे पहले तो ब्लूटूथ को ऑन रखना है, ना कि स्विच ऑफ करके आप तब दबाएं। ब्लूटूथ को ऑन करना है, उसके बाद जब ब्लूटूथ ऑन हो जाए तो उसके बाद जो है आपका पावर बटन दो बार इस तरीके से क्लिक करना है। देखिए वीडियो को ध्यान से समझिए, देखिए इस तरीके से क्लिक करेंगे। एक बार मैं आपको आवाज़ भी इसकी सुनवाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है, मैंने जो इसका एक बड्स है वो मैंने मोबाइल के माइक के पास में ले आया हूँ और अब मैं आपको यहाँ पे बटन दबा के दिखाता हूँ, तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। तो यहाँ पे आपने सुना जो है, लैंग्वेज बार बार चेंज हो रही थी, तो इस तरीके से आप पावर बटन को फटाफट दो बार दबाएंगे तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आप समझ गए होंगे।